वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं मनश्वी। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं यहां पे ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर केयर के रिलेटेड वीडियो लेके आती हूं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो नीचे जरूर से सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके मोटिवेशन जरूर से दे देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यूजुअली ना इंडिया में जब मैं थी तब मैं थ्रेडिंग प्रीफर करती थी अपनी आईब्रोज के लिए, और मोस्ट ऑफ गर्ल्स इंडिया में अगर देखें तो वही प्रीफर करते हैं। हम लोग वैक्सिंग से बहुत ही कम करवाते हैं। आज का ये वीडियो बनाने का ना मेन पर्पस वही है कि अगर कभी भी अगर आपके साथ मेरे जैसा सीन हो जाता है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि क्या हुआ था, तो आप पहले से अवेयर रहो कि आपको तब उस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है। तो मेन पर्पस यही है कि आपको कुछ डिसीजन में हेल्पफुल रहेगा कि आपको अपनी आईब्रोज किस तरीके से करवानी चाहिए। तो बस ये वीडियो का मेन पर्पस यही है। तो अगर आप आईब्रो हमेशा हर मंथ करवाते हो या तो फिर आफ्टर एवरी 3 मंथ 4 मंथ अपने हिसाब से करवाते हो तो ये वीडियो जरूर से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो दो टाइप के अभी तक मैंने अपने आईब्रोज के लिए जो रिमूविंग टेक्निक्स है वो यूज की हुई है। फर्स्ट वन है जो थ्रेड ट्रेडिशनल मेथड है हमारी। हम कभी भी कहीं भी इंडिया में जाते हैं तो मोस्ट ऑफली लोग थ्रेड से ही करते हैं। शायद वो अपने हाथों से हो या एक दगा मुंह में लगा के कुछ हाथों से इस तरीके से करते हैं वो टेक्निक हो, लेकिन थ्रेड से ही होती है। अभी थ्रेड से करने के फायदे क्या है? जो आपके हेयर ग्रोथ है ना वो एकदम अंदर से जहाँ पे वो उसकी जड़ें होती है वहां से निकल जाती है, तो उसको आते आते ना थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगता है, लाइक 1 मंथ और 1.5 मंथ तक आती है, और वो डिपेंड करता है कि आपका ग्रोथ किस तरीके का है। तो ऑलमोस्ट लोगों को एवरी 1 मंथ तो करवानी ही पड़ती है कि अगर आपको परफेक्ट आईब्रो चाहिए तो। लेकिन कोई ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनकी हेयर ग्रोथ बहुत ही ज्यादा होती है ना, उनको ना आफ्टर एवरी 20 to 25 days में करवानी पड़ती है। तो वो लेकिन सबसे एक बेस्ट तरीका है कि आपके अंदर से हेयर खींचते हैं ना तो वो ऊपर से अच्छे से मतलब शेप में आ जाते हैं और परफेक्टली जो एक एक हेयर है ना आपको दिखता है कि यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। और जो दूसरी टेक्निक है वो है वैक्स। जैसे कि हम हमारे हेयर और लेग्स पे वैक्स से जिस तरीके से बाल रिमूव करते हैं तो उसी तरीके से एकदम से छोटे छोटे पोर्शंस लेके वैक्स से निकलता है। वैक्स में भी सेम है, वो जहाँ पे आपकी रूट्स होती है वहां से निकलता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, उसमें जो आपके एक्स्ट्रा हेयर होते हैं वही सिर्फ वैक्स से निकाले जाते हैं। बाकी उसको परफेक्टली शेप में लाने के लिए ना जो शेप होता है उसको प्लकर से निकालते हैं। प्लकर से निकालने की वजह से आपको अभी नहीं महसूस होगा कि आपको कुछ भी डिफरेंट लग रहा है, लेकिन आफ्टर 10 to 15 years आईब्रो तो हमारी कम होने नहीं वाली है साल जाते जाते, तो जब 10 साल के बाद आप देखोगे ना तो जहां जहां पे आपने प्लक करते हो ना वहां वहां पे छोटे छोटे से डॉट हो जाते दिखेंगे। आप लोगों ने बहुत लोगों को नोटिस किया होगा कि उनको वो छोटे छोटे डॉट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको आईब्रो करवाने जाना नहीं होता है, उनको ये है कि बेसिक शेप हमें पता है कि कैसा होता है, तो जो जब भी वो एक्स्ट्रा हेयर जहां जहां पे निकलते हैं ना वो प्लकर से निकाल देते हैं। वो इजी टेक्निक है और वो बहुत सारे लोग घर पे भी यूज करते हैं। मैं कभी नहीं करती हूँ क्योंकि इंडिया में तो मेरा फंडा एकदम से शॉर्ट था कि घर में ही मम्मी कर देती थी जब भी करना होता था, क्योंकि सैलून घर में ही था तो कहीं पे भी जाने की नीड नहीं पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे अभी मेरे रिसेंटली ये आईब्रो में ही मेरा सीन हो गया है। वो सीन क्या था, जब मैं गई अपने हेयर कट करवाने के लिए, अपने अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मेरे हेयर लॉन्ग थे, उसके बाद मैंने थोड़ा हाफ शॉर्ट किया और अभी एकदम से मतलब कम्प्लीटली निकाल दिए हैं, एकदम से शॉर्ट कर दिए हैं। तो जब मैं रिसेंटली हेयर कट करवाने गई थी अराउंड 20 to 25 days पहले, तब मैंने और जब मैं गई तो मैंने उनको पूछा कि आप आईब्रोज भी करते हो ये वो, तो उन्होंने बोला हाँ मैं करती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है तुम वो भी कर दो ताकि मुझे स्पेशली कहीं पे भी और जगह पे ना जाना पड़े स्पेसिफिकली आईब्रोज के लिए, राइट। और जहाँ पे मैं जाती हूँ मतलब हर बार, वो मेरे घर से बहुत दूर है, उसके लिए मुझे स्पेशली उसके वहां पे टाइम निकाल के जाना पड़ता है और मेरा 1 hour completely बिगड़ जाता है। तो वैसे भी मेरी आईब्रोज ग्रोथ बहुत ज्यादा कम है,
रिफर करती हूँ आफ्टर 3 मंथ जाओ, ताकि मेरी जो जहाँ पे भी गैप्स छोड़ी हुई है ना वो थोड़ी सी ज्यादा फील हो जाए और थोड़ी सी ज्यादा ग्रोथ हो, तो उसको शेप देना भी इजी हो जाए। तो मैं ये प्रीफर करती हूँ कि आफ्टर 3 मंथ जाओ। तो इस बार 3 मंथ हो चुके थे, मुझे जाना ही था, तो मैं वहां पे हेयर कट करवाने गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो टाइम बच जाएगा और इसे करवा लेते हैं। अगर ये सक्सेसफुल रह गया, अगर अच्छे से उसको शेप आ गई मेरी, मतलब सेट हो गई मेरी, तो उसके बाद में मैं वही जाया करूंगी, मुझे स्पेशली जाने की नीड नहीं रहेगी उतने दूर तक। तो मैंने उसको बोल तो दिया कि हाँ आप कर दो। जब हेयर का सारा खत्म हुआ, फिर उन्होंने बोला कि चलो आपकी आईब्रोज कर देते हैं। ठीक है, चलो नॉर्मली वे में मैं गई अंदर, उन्होंने शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने, मतलब मैंने ऐसे पकड़ा वो, जल्दी नहीं पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बोला ठीक है शायद तक ऊपर से करेगी ऐसे कुछ, मैंने ये सोच के इग्नोर कर दिया उसको। फिर जैसे ही उन्होंने वैक्स लगाया ना, मुझे एकदम से गरम गरम लगा, तो मैंने आंख खोल के बोला कि क्या कर रहे हो आप? तो बोलते हैं वैक्स से करूंगी। तो अभी उस टाइम मैंने उनको ऑलरेडी बोल दिया था कि मुझे आईब्रो करवानी है, और उसके बाद से पहले तो मैंने उनको पूछा भी नहीं कि आप कैसे करोगे, वो मेरी गलती थी। उन्होंने बोला कि अभी वैक्स से मैं कर रही हूँ, तो अभी उन्होंने लगा भी दिया था, उसके बाद मैं वॉश करके निकालूंगी तो बहुत ज्यादा पेन होगा। तो मैंने छोड़ दिया कि चलो अभी करने दो, क्योंकि कुछ ट्राई एंड एरर भी हो जाएगा कि कैसी होती है वैक्स से आईब्रो, अच्छे से होती है या नहीं। तो हमने करना शुरू किया। करने के बाद मेरी दोनों आईब्रो का शेप अलग अलग दिख रहा, कंप्लीटली अलग अलग दिख रहा था। अभी तो मैंने आईब्रो पेंसिल की हुई है, तो आपको इतना ज्यादा डिफरेंट दिखेगा नहीं, और उसको मैंने शेप में लाई हूँ। लेकिन अगर बिना पेंसिल के आप देखोगे ना, तो आपको सच में समझ में आएगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। लेकिन वो फोटो मैं डालूंगी नहीं, क्योंकि उतनी ज्यादा हिम्मत मेरे में नहीं है कि मैं वैसी फोटो डालू यहाँ पे। तो ये सीन हुआ था। और दूसरी चीज, इतना ज्यादा पेन हुआ था ना कि मतलब जो हम थ्रेड से करते हैं ना, उसकी कंपेयर में मुझे 3 गुना ज्यादा पेन लगा वैक्स, मतलब वैक्स से जब उन्होंने किया उस दिन। तो क्लियरली डिफरेंट है, मुझे इतना कुछ अच्छा भी फील नहीं हुआ। और उसके साथ साथ उन्होंने वैक्स से किया था, मतलब थ्रेड से नहीं किया था, तो तब भी उसकी वजह से मेरा मूड था। तो शायद मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे कि शायद मैं गलत होंगी, चलो छोड़ दो। फिर मैंने उनको बोला कि आपको जैसा शेप सही लगता है वो कर दो, बाकी सब कुछ सही है। मैंने फिर भी उनको बोला था कि दोनों शेप मुझे अलग दिख रहे हैं, उन्होंने बोला नहीं 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 सेम ही है। तो फिर मैंने छोड़ो, सही होगा, शायद मेरे दिमाग में वो वैक्स बैठा नहीं था ना, इसकी वजह से मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं यार ये नहीं अच्छा हुआ। लेकिन फिर मैंने घर आई, थोड़ा शांत दिमाग किया, उस टाइम पे मेरा गुस्सा मतलब अलग ही लेवल पे था। फिर मैंने थोड़ा मेरा दिमाग शांत किया। वैसे भी हेयर कट में भी थोड़ा सा उन्होंने ऊपर नीचे कर दिया था, वो सारी तो बातें ठीक है, लेकिन फिर भी आईब्रोज की वजह से मेरा ज्यादा दिमाग घूमा था, क्योंकि वो एक मेन जो चीज होती है ना गर्ल्स में, कि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर उसका शेप बिगड़ गया ना, तो फिर बात खत्म। तो वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है। शायद अगर आपको आईब्रो से मतलब बहुत ज्यादा पजेसिव हो ना उसको लेके, तो शायद आपको मेरी जो प्रॉब्लम है ना वो समझ में आएगी, क्योंकि मैं अपनी आईब्रोज को लेके बहुत ज्यादा पजेसिव हूँ, क्योंकि मेरे दोनों शेप अलग अलग है ही, वो मुझे पता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ ठीक कर सकते हैं मेरी मम्मी। बाकी मैं तो अभी तक मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला कि दोनों को शेप एक ला सके। तो बहुत ही बड़ा मतलब वो एक बहुत ही डिफरेंट मुझे समझ में आया। और उसके बाद उन्होंने शेप देने के लिए ना प्लक किया। आज तक मैंने लाइफ में सिर्फ 2 बार प्लकिंग की है मेरी आईब्रोज को, बाकी मैंने टच नहीं किया उसको, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आफ्टर सम इयर्स कि वहां पे मुझे छेद दिखे और मेरा पूरा मुंह उसकी वजह से गंदा लगे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। फिर भी उन्होंने अभी कुछ बोलने की मतलब ही नहीं था। तो ये दोनों डिफरेंट है। मैं ज्यादातर प्रिफर करूंगी थ्रेड से करवाना। तो ये समझ लो कि क्या डिफरेंट है। जैसे कि हमें शेप मिलती है एकदम से, मतलब जो चाहिए जैसी चाहिए, थ्रेड में आपको जैसी शेप चाहिए ना वैसी आप बना सकते हो, वैक्स से वो नहीं हो पाएगी। वैक्स से आपकी छोटे छोटे हेयर जो है ना वो रह ही जाते हैं, और उसको प्लकर की मदद से निकालोगे तो शायद तक खुल भी आएगा और वहां पे छेद हो जाएंगे, और वो कम्प्लीटली शेप में तो नहीं आने वाली है। छोटे छोटे हेयर तो कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं। तो मतलब एक पैसे स्पेंड कर ही रहे हो तो परफेक्शन लाओ ना, क्यों ऐसे ही पैसे डाल रहे हो कि सिर्फ
थोड़ी थोड़ी ठीक है नहीं है वैसे चला लेंगे। मेरे हिसाब से जो बेस्ट आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है ना, मुझे थ्रेड से लगा है, मुझे वैक्स वाली हाइब्रो कभी भी नहीं पसंद आती है। अगर आप खुद से आईब्रो करते हो तो बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे हैं कि जो खुद से करते हैं और वैक्स से करते हैं और उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन मैं एक जैसे कि मैंने बोला कि मैं अपनी आईब्रोज के लेके बहुत ज्यादा पजेसिव हूँ, तो बस उसी रीजन की वजह से मैं कभी भी प्रीफर नहीं करती हूँ कि मैं खुद से करूँ ताकि वो बिगड़ भी जाए, मैं ऐसा कोई चांस नहीं लेना चाहती हूँ। तो मैंने खुद से आज तक कभी भी ट्राई नहीं किया है कि खुद से मैं आईब्रो करूँ। मेरे पास सारे टूल्स हैं कि खुद से करने के लिए, जितने भी मार्केट में अवेलेबल है सारे के सारे मेरे पास, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं खुद से कभी भी ट्राई करूँ। तो ये मेरा एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन फिर भी वो मेरा एक पर्सनल चॉइस है कि मुझे बाहर से करवानी है, मुझे खुद से वो ट्राई नहीं करना है। तो बस यही मेरा था एक्सपीरियंस बोल लो आप, हमारे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बोल लो, शायद तक मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको आगे जाके डिसीजन लेने में कुछ फायदा करे। तो मस्ट 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 ये ध्यान रखो कि थ्रेड से ही आईब्रो करवाओ। अगर आप वैक्स से करवा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, और अगर वो उन्होंने लगा भी दिया है ना, फिर भी खड़े हो जाओ कि नहीं भाई हमको वैक्स से नहीं करवानी, हमको थ्रेड से ही करवानी है। तो ये एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैंने कोई वीडियो पहले देख लिया होता ऐसा कोई, तो मैं भी मना कर देती, लेकिन मैंने नहीं देखा था। तो बस अभी मैंने आपके लिए ये फाइनली स्टेटमेंट दे दिया है कि थ्रेड से करवाओ, वैक्स से मत करवाओ। अगर आपके कोई दोस्त फ्रेंड या कोई भी करवा रहे हो ना, तो उनको भी मना कर दो कि ऐसे मत करो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। उसी के साथ साथ अगर आपका भी ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस है अपनी आईब्रोज को लेके, या आप भी मेरी तरह अपनी आईब्रो को लेके बहुत ज्यादा पजेसिव हो, तो आपको कैसे कैसे एक्सपीरियंस मार्केट से मिले ना, वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।